नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी पूरी जिंदगी की कहानी इस व्यक्ति के हाथों में लिखी है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय रहते आप इसको पहचान लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यूं कहें तो आपके जीवन काल में आने वाले सभी क्रियाकलापों को आप सोच पाएंगे, किस प्रकार आपको कौन से कार्य को करने हैं, कौन सी सावधानियां रखनी है, इन सभी की विस्तृत जानकारी आप पा जाएंगे। जी दोस्तों, तो यह व्यक्ति कौन है आपके जीवन काल पर, जिन पर आप अटूट विश्वास कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन का सहारा बन सकता है, आपके आगे पीछे हर जगह आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप सभी के जीवन काल के लिए यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। आपकी जीवन की कहानी इस व्यक्ति के हाथों में लिखी है। यही व्यक्ति है जो आपको आपके जीवन काल में आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आज के इस वीडियो को मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक इन्हें जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को यह दावे के साथ बता सकते हैं कि अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपको यह बात तो पता चलेंगे ही कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और कैसे आपकी जिंदगी कहानी इस व्यक्ति के हाथ में लिखी हुई है। तो दोस्तों, सभी विशेष जानकारी इस वीडियो में है, तो दोस्तों अंत तक देखना आपका दायित्व होगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों हमें अपने जीवन काल में याद रखने चाहिए। तो दोस्तों, जाने अनजान में हम गलतियां करते रहते हैं और वश में एक अच्छी बातें हमारे जीवन काल में कई प्रकार के अच्छे गुण भर देते हैं। तो दोस्तों, इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय तीन विशेष रचना की। पहला, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इनका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। दूसरा, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को कभी भी जलाता या फिर दफन नहीं करता। और दोस्तों, तीसरा, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या फिर अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ भूलना दिया। जी दोस्तों, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रहता, कभी भी आशा और प्रसन्नता या जीने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों, जगह साथ बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिसके हाथों में आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी है। जी दोस्तों, जो आपके किस्मत को चमका सकती है। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जानते हैं कौन से लोग हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करने हैं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने हैं। तो दोस्तों, जाने अनजाने में अगर आप इन व्यक्तियों पर भरोसा करते हैं तो दोस्तों ये अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेंगे। तो दोस्तों, यह कौन सा व्यक्ति है? जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस तरह सोने को रगड़ कर, काट कर, आग में तपा कर, पीट कर परखा जाता है, उसी तरह किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले हमें चार बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि किसी पर भरोसा करने से पहले उस पर त्याग की भावना को देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना गया है कि जिन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती है वे लोग कभी अच्छे इंसान नहीं बन पाते। जी दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर आपके जीवन काल में कोई भी व्यक्ति है जिनको आप लगातार मदद करते आ रहे हैं और दोस्तों उनकी तरफ से आपको कोई भी सहायता अभी तक नहीं मिली है, तो दोस्तों इस बात से यह पता चलता है कि दोस्तों उनके अंदर त्याग की भावना बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वह आपसे लाभ ले रहा है, वो बिल्कुल भी अपना लाभ आपको नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी त्याग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ आपसे काम निकलवाएंगे और काम निकलने के बाद पीठ दिखाकर आगे चल देंगे। जी दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि किसी को जाने पहचाने या उसके चरित्र के बारे में जानकारी न होने पर उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंसान किसी की चरित्र देखे बिना उस पर भरोसा कर लें तो उसके साथ रहने वालों को भी उसी नजर से देखा जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे इंसान के आप साथ रहेंगे जिनके आप पहचान अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जांच परख नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों हो सकता है वह इंसान चोर हो सकता हो या फिर किसी प्रकार की मुजरिम हो सकता हो,
तो दोस्तों ऐसे इंसान के साथ अगर आप रहेंगे तो कल को जब उनको सजा दी जाएगी तो दोस्तों उनका हकदार आपको भी माना जाएगा। तो दोस्तों जल्द ही जो इंसान को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हो, जिनकी पहचान आप अच्छी तरह से कर नहीं पाए हो, तो दोस्तों उनसे बिल्कुल भी आप दोस्ती ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति है जो कि आपकी जिंदगी की दिशा को बदलती है, अच्छी राशि निकाल कर बुरे राह पर ले जाते हैं और दोस्तों आगे चलकर आप बहुत ही ज्यादा पछताते हैं और दोस्तों तब तक देर हो चुकी रहती है। तो दोस्तों अगर आपके जीवन काल में ऐसे व्यक्ति है तो इनसे दूरी बनाकर रखें, और नहीं भी है तो दोस्तों ऐसे इंसान पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे बता दें कि सब लोगों में बहुत सारे गुण और अवगुण होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसी कुछ बुराई होते हैं, ऐसी कुछ बुरी आदतें होती है जो कि उसे एक न एक दिन ले डूबती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप इन लोगों से दोस्ती भी करेंगे तो दोस्तों सोच समझकर ही करें, कि दोस्तों अगर वह बुरा काम करता है और आप यह चीज़ जानते हैं कि वह बुरा काम करता है, और दोस्तों अगर आप उनके साथ रहते हैं दोस्तों जब उनको एक ना एक दिन उनकी बुराई ले डूबेगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनके पचड़े में आप भी पड़ जाएंगे। तो दोस्तों जानबूझकर ही आप बिल्कुल भी अपने हाथों जहर ना पिए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। तो दोस्तों इस व्यक्ति का साथ आप अभी छोड़ें, क्यों दोस्तों इस व्यक्ति के हाथों में सिर्फ आपकी बर्बादी ही लिखी है। तो दोस्तों इस व्यक्ति से आप बिल्कुल ही दूर रहें। इसके साथ दोस्तों जिन लोगों के अंदर अहंकार की भावना होती है वह किसी के भरोसे के लायक नहीं होते हैं। जी दोस्तों आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दोस्तों आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपसे मिलते जुलते हैं, लेकिन दोस्तों उनके अंदर अहंकार की भावना है। जी दोस्तों ऐसे में आपसे पैसे को लेकर आपसे कंपेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ खरीदा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो दोस्तों इस इंसान से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कि दोस्तों इनसे आपकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपने अंदर ऐसा लगेगा कि हम यह चीज कर नहीं सकते, और दोस्तों आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा भी उत्पन्न इनसे होता है। तो दोस्तों जो भी अहंकारी इंसान है दोस्तों उनसे दूरी बनाकर रखें, कि दोस्तों अहंकार ईश्वर का भोग है। जिस व्यक्ति ने भी अहंकार किया है दोस्तों उनका सर्वनाश निश्चित हुआ है। तो दोस्तों अहंकारी व्यक्ति के भी आप साथ ना रहें, कि दोस्तों इस व्यक्ति के हाथों में आपकी बर्बादी लिखी है। इसके उपरांत दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके जुनकाल में ऐसे हैं जो जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं और दोस्तों आपको अपने बातों में फंसा लेते हैं और समय आने पर दोस्तों आपको धोखा भी देते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के मधुर व्यवहार के चलते आप इनके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों आप आज ही जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं तो दोस्तों उनसे भी आप सावधान रहें, कि दोस्तों इन व्यक्ति के हाथों में आपकी जिंदगी की बर्बादी लिखी है। तो दोस्तों इनसे आप दूर रहें। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जिनके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए और इनके हाथों में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। जी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कर्म, जी दोस्तों जिस व्यक्ति के अच्छे कर्म है, आप सभी के जीवन काल में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अच्छे कर्म हैं वह लोगों से सच्चे बोलकर पैसे कमाते हैं, ना ही चोरी डकैती ना ठगी करते हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करें, और दोस्तों यही व्यक्ति है जिनके हाथों में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी होती है। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो आपको बुराइयों के राह से हटाकर अच्छाइयों के राह पर ले जाएंगे। या दोस्तों और दोस्तों एक ना एक दिन बुराई की हार होती है, यह बात आप जानते हैं, और जिनके अच्छे कर्म होते हैं दोस्तों उन्हें ईश्वर भी साथ देता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति आपके जीवन काल में ऐसे हैं जिनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो दोस्तों उन पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, उनसे सलाह मांग सकते हैं कि आप कौन से कार्य करें, कौन से कार्य नहीं करें। दोस्तों वे आपको अच्छे ही सलाह देंगे। तो दोस्तों इस व्यक्ति पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों ऐसे लोग जो आपके मुंह पर कड़वे बात बोलते हैं, हालांकि दोस्तों आपको सुनने में बहुत ही खराब लगता है, और दोस्तों पीठ पीछे आपको अच्छाइयां करते हैं जी दोस्तों, और आपको उनकी भनक जब नहीं होती है, और दोस्तों दूसरे के द्वारा आपको यह बात पता चलती है कि उस व्यक्ति ने आपकी तारीफ की है, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति है जिन पर आप भरोसा करें, कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं मिलते हैं, एक जीवन है, इस व्यक्ति की आप पहचान करें। दोस्तों अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि दोस्तों आपकी जिंदगी की कहानी इस व्यक्ति के हाथों में लिखी है। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो दोस्तों आपका भी जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा, और दोस्तों बुराई के राह से हटकर आप सभी का जीवन खुशियों की ओर जाएगा, अच्छाइयों की ओर जाएगा।
दोस्तों आप उन्हें जिन काल में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करें।